तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहने का मतलब है बच्चों कि जो हमारा सेल्स है वो क्यूबॉइड इन शेप होगा। क्यूबॉइड इन शेप, क्यूबिकल इन शेप इसको बोल रहे हैं। सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप, जो हमें दिख रहा है यहाँ पे उसी को बोल रहे हैं सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप। और इसका हेडिंग भी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि न्यूक्लियस इज सिंगल स्फेरिकल एंड सेंट्रिक, ठीक है बच्चों। क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो सेल्स है वो कैसा दिख रहा है हमें, तो क्यूबॉइड इन शेप दिख रहा है। उसके बाद इसका देख रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है, सिंगल है, स्फेरिकल है मतलब कि राउंड शेप गोल है, ठीक है, और सेंट्रिक है मतलब कि एकदम मिडिल पॉइंट पे है, सेंट्रिक है। उसके बाद देख रहे हैं बच्चों कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हमें कहाँ देखने को मिलेगा बच्चों, तो ये हमें देखने को मिलेगा आउटर कवर ऑफ ओवरीज, मतलब कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गेन के अंदर जो ओवरी प्रेजेंट है वहाँ पे हमें ये देखने को मिले, तो सलाइवरी ग्लैंड्स में एंड आउटर डाइजेस्टिव ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स और कहाँ देखने को मिल रहा है, अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, मतलब कि डाइजेस्टिव ग्लैंड जितने भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं हमारे बॉडी में वो सब जगह पे देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर कहाँ देखने को मिल रहा है बच्चों, थायराइड फॉलिकल्स में, फिर टर्मिनल रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स में देखने को मिल रहा है बच्चों क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों हम लोग कहाँ देख रहे हैं, तो आउटर कवर ऑफ ओवरीज, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, थायराइड फॉलिकल्स एंड टर्मिनल रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोल्स। अब बच्चों इसका फंक्शन देखेंगे, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इसका पहले स्ट्रक्चर देखें कि इसका अपेयरेंस कैसा है, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंट्रिक है या कॉन्सेंट्रिक है। उसके बाद फिर देख रहे हैं कि न्यूक्लियस जो है कैसा देखने में मिल रहा है, स्फेरिकल है, इलांगेटेड है, तो क्या है, स्फेरिकल है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा कि ये कहाँ कहाँ मिलेगा हमें बॉडी में, कहाँ कहाँ इसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद इसका फंक्शन क्या है बच्चों, तो एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये क्या करेगा बच्चों कि हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन में, मतलब कि एब्जॉर्प्शन बोलने का मतलब बच्चों कि जहाँ पे हम लोग फूड इनटेक करेंगे फूड, उसके बाद जो फूड हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है होल बॉडी में, बकल कैविटी के थ्रू, स्टोमक के थ्रू, तो वो जो फूड पार्टिकल ब्लड में पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगा तो उसका क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा। सिक्रीशन कहने का मतलब बच्चों की ग्लैंड, जैसे देख रहे थे ना अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड्स कहने का मतलब जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रीशन करेगा। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन दोनों करेगा। और सेकंड क्या कि प्रोटेक्शन, एपिथेलियम को हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि आउटर कवरिंग ही होता है हमारे होल बॉडी का, तो एपिथेलियम सेल, तो एपिथेलियम क्या करेगा कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब कि जैसे मान लो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जब हम लोग फूड पार्टिकल्स को स्वेल कर रहे हैं और कुछ रफ एंड टफ बोलस अंदर जब जा रहा है तो उससे क्या होता है, टीयरिंग एंड बियरिंग हो सकता है इंटरनल म्यूकोसल लेयर में, उसमें क्या करेगा ये प्रिवेंशन देगा हमें, प्रिवेंट करेगा और क्या करेगा कि टीयरिंग एंड बियरिंग से बचाएगा। उसके बाद फिर बच्चों हम लोग देख रहे हैं सिंपल कॉलिमनर एपिथेलियम, इसमें बच्चों देख रहे हैं कि इसका सिंपल कॉलिमनर एपिथेलियम कितने तरह का, चार तरह के देखने को मिलेंगे बच्चों। पहला क्या है, सिंपल कॉलिमनर एपिथेलियम जो इसका हेडिंग है। उसके बाद ब्रश बॉर्डर कॉलिमनर एपिथेलियम। थर्ड क्या है बच्चों, म्यूकस ग्लैंड्स जिसको हम लोग दूसरे नाम में बोलेंगे, चैलाइक सेल्स और गॉबलेट सेल्स। तीसरा नेम इसका हो गया बच्चों गॉबलेट सेल, मतलब कि ये तीनों में से अगर कोई भी आपको बोले तो आपको समझना है कि ये क्या है, सिंपल कॉलिमनर एपिथेलियम का जो है मॉडिफाइड रूप है। और फिर चौथा क्या है बच्चों, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमनर एपिथेलियम। स्यूडो मतलब कि जो है तो सिंपल कॉलिमनर एपिथेलियम लेकिन ये फंक्शन कैसा कर रहा है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड कॉलिमनर एपिथेलियम जैसा दिखेगा। स्यूडो मतलब क्या बोलते हैं, गलत, झूठा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, द सेल्स आर कॉलिमनर, अब देख रहे हैं कि सारा क्या है, कॉलम लाइक है तो लंबा, तो क्या हो गया ये कॉलिमनर। उसके बाद न्यूक्लियस आर स्लाइटली इलोंगेटेड एंड प्रेजेंट टुवर्ड द बेस। अब क्या है कि न्यूक्लियस क्या है, इलोंगेटेड है और क्या है, बेस के नज़दीक है। देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और
यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो बेस के करीब में है, और न्यूक्लियस कैसा है तो इलोंगेटेड है, स्लाइटली इलोंगेटेड, मतलब पूरा नहीं स्फेरिकल है लेकिन थोड़ा सा इलोंगेटेड दिख रहा है। उसके बाद कहाँ पे है, टुवार्ड द बेस, बेस के साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद सिंपल कॉलिमुलर एपिथेलियम फॉर्म्स म्यूकस विच इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब क्या है बच्चों, ये क्या कर रहा है हमारा, ये जो देख रहे हैं हम लोग म्यूकस ग्लैंड, ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, ये हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके इनर लेयर पे म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, जो ग्रीस जैसा काम करेगा, ल्यूब्रिकेट करेगा, और उससे क्या होगा, स्वेलिंग आसान होगा, जिस चीज़ को भी हम लोग मुंह में लेंगे उसके बाद उससे जब स्वेल करेंगे बच्चों तो आसानी से अंदर चला जाए, पेट में चला जाए। तो इनर मोस्ट लेयर पे क्या, इनर मोस्ट लेयर पे क्या कर रहा है एपिथेलियम, कॉलिमुलर एपिथेलियम म्यूकस कर रहा है सिक्रेट या म्यूकस बना रहा है, जिससे क्या हो रहा है तो फूड पार्टिकल्स आराम से जा रहा है, वो कहाँ, तो एलिमेंट्री कैनाल में। उसके बाद इट हेल्प्स बोथ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कि वाइडल एपिथेलियम में यहाँ पे ये क्या कर रहा था, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन कर रहा था, एब्जॉर्ब भी कर रहा था और सिक्रीट भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि क्या हेल्प कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प कर रहा है। मतलब द म्यूकस ग्लैंड सेल्स आर मॉडिफाइड कॉलिमुलर सेल्स। अब म्यूकस ग्लैंड सेल जो क्या है, ये मॉडिफाइड कॉलिमुलर सेल्स है क्या, कॉलिमुलर सेल्स ऐसा था लेकिन ये क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, जिसमें देख रहे हैं बच्चों क्या है कि म्यूसिनोजेंस और ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। इसका जो न्यूक्लियस है देख रहे हैं बेस की तरफ है, और यहाँ पे क्या है, ब्रश बॉर्डर है, यहाँ पे ये क्या है, ब्रश बॉर्डर है, ठीक है। और ब्रश बॉर्डर क्या काम है बच्चों, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो क्या है कि मॉडिफाइड कॉलिमुलर हो गया, उसके बाद आर कंसीडर्ड एज यूनिसेलुलर ग्लैंड। अब ये क्या है कि यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, मतलब एक सेल के अंदर में जो सिक्रीशन हो रहा है, दीज आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा एंड सिक्रीट द म्यूसिन। अब क्या है कि ये जो है ये म्यूकोसा में प्रेजेंट है, ये क्या है, म्यूकोसा सेल्स में प्रेजेंट है, और ये क्या सिक्रीट कर रहा है, म्यूसिन, और जो पानी में घुल रहा है म्यूसिन सिक्रीट कर रहा है। म्यूसिन जब हमारे बॉडी में जो हम लोग पानी पी रहे हैं और खाने फूड के साथ जो वाटर जा रहा है हमारे बॉडी में, तो उस वाटर में क्या होगा, ये डिजॉल्व होगा और क्या बनाएगा, तो म्यूकस का लेयर फॉर्म करेगा, म्यूकस का लेयर फ्रॉम ओवर द म्यूकोसा। अब ये जो म्यूकोसा सेल है इसके ऊपर में क्या बनाएगा, तो म्यूसिन वाटर में डिजॉल्व होगा और क्या बनाएगा, म्यूकस का फॉर्मेशन करेगा, और वो कहाँ बनाएगा, तो म्यूकोसा लेयर के, म्यूकोसा सेल्स के ऊपर में, ठीक है, म्यूकस का लेयर बनाएगा। और अब जो ये क्या हेल्प करेगा बच्चों, ये किस में हेल्प करेगा, तो ये हमें हेल्प करेगा एनी टाइप ऑफ इरिटेशन प्रेजेंट इन इंजेस्टेड फूड, ठीक है। अब जो एलिमेंट्री कैनाल में जो ये सेल्स प्रेजेंट है उस पर क्या कर रहा है, म्यूकस इरिटेशन, कहने का मतलब जब हम लोग हार्ड फूड पार्टिकल्स को स्वेल करते हैं, जस्ट लाइक भूजा उजा जब खाएंगे वो क्या होता है, कड़ा होता है, कितना भी उसे दांत से चबा ले पीस ले, लेकिन वो क्या होगा, पूरी तरह से आटे के फॉर्म में नहीं होगा, और जब उसे स्वेल करेंगे बच्चों तो हो सकता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल को वो क्या करे, रप्चर करे, मतलब खरोचता हुआ पार हो जाए, इस तरह से मान लो, इस तरह से पार्टिकल्स होते क्या करेगा, इसमें इरिटेशन काउज करेगा, जिससे हमें असहजता होगी किसी भी पार्ट को, फूड पार्टिकल्स को अंदर घोटने में, फूड पार्टिकल्स के पार्ट को। तो क्या होगा कि ये जब उस पर म्यूकस का लेयर लगा देगा तो वो क्या करेगा, ल्यूब्रिकेट करके रखेगा, और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये हमारा बकल कैविटी का ये, तो इस पर एक अलग से एक न्यू लेयर फॉर्म करेगा, और इसके साथ फूड पार्टिकल्स क्या होगा, इसमें अच्छे से स्वेल होते चल जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि बाइसिकल चलाते हैं तो चैन जब आवाज़ करने लगे तो उसमें ग्रीसिंग करवाते हैं, वाइलिंग करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उसे चिकना करने के लिए। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, म्यूकस, म्यूकस क्या कर रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल को अंदर से लुब्रिकेट करके रख रहा है, और जब हम लोग फूड पार्टिकल्स को स्वेल कर रहे हैं तो वो अच्छे से स्वेल हो रहा है, विदाउट एनी इरिटेशन, विदाउट एनी काउजिंग इरिटेशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलिमुलर एपिथेलियम। इसमें क्या है कि ये शॉर्टर इन हाइट है। शॉर्टर कहने का मतलब जो कॉलिमुलर एपिथेलियम जो था उससे इसकी हाइट मान लो कि इतनी कम है, लेकिन ये भी क्या लग रहा है, कॉलिमुलर ही देखने में लग रहा है। तो उसी तरह से क्या है, शॉर्टर इन हाइट एंड कम्प्लीटली ओवरलैप द एडजेसेंट नॉर्मल कॉलिमुलर एपिथेलियम। अभी क्या कर रहा है कि कम्प्लीटली ओवरलैप, मतलब कि ये जो नॉर्मल एपिथेलियम है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
जो है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम वो कम्प्लीटली ओवरलैप है एडजेसेंट नॉर्मल कॉलमनर, एडजेसेंट मतलब उसके बगल का जो नॉर्मल कॉलमनर सेल्स है उस पर। उसके बाद इसका न्यूक्लियस क्या है बच्चों, तो देख रहे हैं कि शॉर्टर मतलब कि जो नॉर्मल कॉलमनर एपिथेलियम में जो न्यूक्लियस था उससे इसका न्यूक्लियस क्या है छोटा है और हैव देयर पोजिशन लोअर देन दोज ऑफ द लॉन्गर सेल्स। अब क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो एडजेसेंट कॉलमनर एपिथेलियम है उसका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो शॉर्टर है और नीचे है, ठीक है, लोअर देन द दोज लॉन्गर सेल्स मतलब कि जो लंबे सेल्स है उससे नीचे है और इट लाइज इन द लॉन्ग सेलेवरी डक्ट। अब क्या कर रहा है बच्चों कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, तो लॉन्ग सेलेवरी डक्ट। अब लॉन्ग सेलेवरी डक्ट कहने का मतलब एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में ये कहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, लॉन्ग सेलेवरी डक्ट ये कहाँ देखने को हमें मिल रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल में बच्चों। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम, ये ब्रश बॉर्डर तो इसका जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों इस तरह से, तो ये क्या है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विली होता है वो क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है, एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ाता है। तो ये कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो ये देखने को मिलेगा हमें एलिमेंट्री कैनाल से होते हुए जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे तो वहाँ पे विली जो प्रेजेंट है वहाँ पे ये देखने को मिलेगा और ये क्या करेगा, तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, जो किस में हेल्प करेगा, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स में हमें हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया ब्रश बॉर्डर कॉलमनर एपिथेलियम। और ये जो म्यूकस लेयर देख रहे हैं बच्चों ये भी हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है बच्चों। और उसके बाद स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ देखने को मिल रहा है, तो लॉन्ग सेलेवरी डक्ट में। और लॉन्ग सेलेवरी डक्ट कहने का मतलब है बच्चों जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है हमारे बकल कैविटी में, पायरोटिड्स मैगजुलर ये सब जो मैगजुलरी ये सब जो भी सलाइवरी सिक्रेटिंग ग्लैंड्स है उसके डक्ट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।